नमस्कार। अपना परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल पराठे। आज मैं हम दो प्रकार के पराठे बनाएंगे, एक गोभी पराठे बनाएंगे और एक हम सिंपल पराठे बनाएंगे। सिंपल पराठे कैसे बनते हैं आज वो हम आपको बताते हैं। तो मैंने ये ले लिया है डेढ़ कटोरा आटा ले लिया है मैंने गेहूँ का। तो उसके हम मेन एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा आधा चम्मच और ले लेते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत करारे बनेंगे, जो नाश्ते के लिए अच्छा है। ये पराठे आप दही के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। ये अभी इसको अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। अब इसमें मैंने आधा गिलास पानी लिया है, तो हम इसी से हम आटा ये गूंद कर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल घर में आटा लगाते हैं वैसा ही लगेगा, ऐसा मैं सोची कि पता नहीं कैसे आटा लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे हम घर में लगाते हैं आटे वैसे ही हम इसको लगाएंगे और बहुत सुंदर लेयर बाई लेयर हमारे पराठा बनकर तैयार होगा, करारे करारे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तेल कोई भी तेल, बस सरसों का तेल छोड़ के बाकी कोई भी आप तेल यूज कर सकते हैं। तो मैंने तेल लिया है सोयाबीन वाला तेल लिया है रिफाइंड, वही हम यूज करते हैं। अब अच्छी तरह से हम आटे को गूंद के हम तैयार कर लेते हैं। ये आटा हमारा गूंद लिया मैंने, तैयार हो गया। इसको हम 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, दूसरा आटा लगा लेते हैं। इस बार हम इसको दूसरा फोल्ड कर दिया है, फिर इसके ऊपर हम लगा लेंगे, फिर इस तरह हम फोल्ड कर देते हैं। इस बार हम इसको बेल लेते हैं अच्छी तरीके से। ये मैंने तवा हमारा गर्म हो चुका है, गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रखा था, लेकिन अभी हम गैस उताव हमारा गर्म हो गया है तो इसको हम लो फ्लेम पर कर देते हैं और इसको हम पलट लेते हैं अच्छे से। बहुत नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है और टिफिन में भी बच्चे खाते हैं, लंच में भी आप खा सकते हैं। तो इस खाने में बहुत अच्छा करारे करारे पराठे बनेंगे, बहुत सुंदर बनेंगे पराठे हमारे। ये मैंने कद्दूकस कर लिया है, बिल्कुल बारीक है देखिए। अब इसमें हम आटा डालेंगे 1 कप, आटा मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च, आप स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं, मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच से कम ही डाला है। धनिया पाउडर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच, जीरा डाल रहे हैं 1/2 चम्मच। उसके बाद हम इसको 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत हेल्दी है, बच्चे गोभी की सब्जी खाना नहीं चाहते हैं, तब इस तरह से बनाइएगा तो बच्चे आराम से खा लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। अच्छे से हम इसको आटे को गूंद लेते हैं, इसको भी आटे की तरह इसको हम लगा लेते हैं। मैंने लोई बना लिया था, मैंने हल्का बेल लिया है, देखिए थोड़ा मोटा ही रहने दिया है। इसमें हम 1 चम्मच तेल लेंगे और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, हर जगह लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको हम फोल्ड करते हैं। 2 चम्मच तेल घी ले लिया है और इसको हम इसके ऊपर लगा दिया अच्छी तरीके से, बिल्कुल इस तरह से हम पका लेते हैं। ये देखिए लेयर, ये देखिए लेयर जो मैं आपको बोल रही थी, लेयर अलग अलग लेयर छोड़ेंगे। ये देखिए अपने आप ये छोड़ रहा है लेयर, ये देखिए। ये पराठे इतने सुंदर बने हैं जो आप खाते ही मुंह में आपका घुल जाएगा, आप सोचेंगे बार बार ऐसे ही बना के मैं खाऊं। और बहुत टेस्टी का बहुत करारे हमारे पराठे बनकर तैयार है, ये देखिए।
हम रख देते हैं। हम दूसरा बनाया है मैंने, इस पर हम रख देते हैं। ट्रायंगल शेप मैंने बनाया है, आप किसी भी शेप के आप बना सकते हैं। मैं इसको ड्रेड शेप है, ये देखिए मैंने प्लॉट लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से, हम एक चम्मच घी लेते हैं, अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फिर इस ऐसे प्लॉट रहा है, देखिए इतना सुंदर बना है। देखिए कितना सुंदर हमारा पराठा बनकर तैयार, एकदम फूले फूले क्रिस्पी, कितना सुंदर हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा पराठा अच्छी तरह से हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा पराठा अच्छी तरह से हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब मैं गोभी के पराठे बना रही हूँ, तो इसको मैंने ब्रेड साइज का मैंने बना लिया, आप जैसा शेप हो वैसा बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल फटा भी नहीं है, अच्छी तरह से धीरे धीरे मैंने इसको बेल लिया है। अब इस हमारा तवा गर्म है, इसमें हम इसको डालते हैं। ये गोभी के पराठे हैं, बच्चे हमारे हरा सब्जी जल्दी खाना नहीं चाहते हैं, तो एक सीक्रेट उपाय है कि हम आटा ही में क्यों ना घिस के हम आटा में ही बना लें, जिससे बच्चे हमारे खा लेंगे, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इसमें बहुत सारी विटामिन पाई जाती है। तो इसलिए मैं पराठा ही आज बना रही हूँ। आप तो चाहे तो पालक के भी पराठे बना सकते हैं, पत्ता गोभी को भी बना सकते हैं, प्याज भी बना सकते हैं, आलू, किसी भी तरह के इसी टाइप से बनता है पराठा। बस इसलिए है कि गोभी में मैंने कुछ मसाले ऐड किया है, उसमें है कि थोड़ा सा आप ऐड करना चाहते हैं मसाले तो कर सकते हैं, नहीं करने का है तो आप सिर्फ नमक और हल्का तेल डाल, तेल कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा हींग डाल के, जिससे हमारा पाचन शक्ति भी अच्छा रहेगा और हमारा सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, हानिकारक तो नहीं है हींग। तो मैंने आप वैसे करके आप बना सकते हैं पराठा, कोई उसमें कोई वो नहीं। गोभी के पराठे हमारा बनकर रेडी हो गया, अब दूसरा भी हम गोभी के पराठे बना लेते हैं। ये देखिए हमारे आलू और गोभी, गोभी के पराठे, सिंपल पराठे, और दही के हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और किसी चीज़ के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ये देखिए हमारे आलू और गोभी, गोभी के पराठे, सिंपल पराठे, और दही के हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और किसी चीज़ के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।